हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूट सलवार की फुल कटिंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कढ़ाई वाला कुर्ता है, तो इसमें से हम पहले बॉर्डर को अलग कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है कटिंग करने का, आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और हमने आगे वाला पार्ट अलग कर लिया है। तो देखिए, पहले हम जो कढ़ाई है उसको कढ़ाई से कढ़ाई मिलाकर अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे लंबाई का, क्योंकि गले जो गला कढ़ाई वाला है वो छोटा है, थोड़ा सा 1 इंच हम और बढ़ाएंगे। तो देखिए, निशान हमने सीधा कर लिया है बिल्कुल, और लंबाई का निशान लगा लेंगे। तैयार लंबाई 36 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए, निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर हम 6 इंच रख रहे हैं। और ये दोस्तों 38 साइज की कुर्ती है और आर्मोल भी हम 6.5 इंच रख रहे हैं। शोल्डर 6 इंच रखना है और आर्मोल 6.5 इंच, और निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर, और इन निशानों को भी सीधा करेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो देखिए, ये निशान हमने सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, 38 साइज है तो 38 का 9.5 इंच हमने निशान लगा लिया है। कमर 32 है, 32 का 4/4 पर निशान लगा लिया है, और हिप साइज भी 38 है तो 9.5 पर निशान लगा लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आर्म होल की गहराई है आगे वाले पार्ट की, वो 1 इंच पर हम दे रहे हैं, ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। तो देखिए, अब तीनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे। इतना ज़्यादा सिंपल तरीका आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखिए, तीनों निशान मिला लिए हैं, और मार्जिन के लिए भी हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है। तो देखिए, ये निशान भी हमने बिल्कुल बराबर करके लगाना है, और निशान को ऐसे स्केल से मिला देंगे। तो देखिए, निशान कंप्लीट लग गए हैं, अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जो निशान हमने लगाए थे वहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, परफेक्ट। अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को मैंने अच्छे से फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इस पर हम आगे वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल किनारे से मिलाकर, और ऊपर से हमने कपड़ा बिल्कुल सीधा कर लिया है कट करके। तो ये देखिए, ऊपर से हमने बिल्कुल सही से मिला लिया है, और बिल्कुल किनारी से बिल्कुल मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे, तो यानी यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई देनी है पीछे वाले पार्ट में। तो निशान हमने लगा लिया है, अब इसमें जो निशान हमने लगाए हैं वहीं से हम कटिंग करेंगे पीछे वाले पार्ट में। ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना होगा, सेम इस तरीके से ही कटिंग करनी है। आप कोई भी साइज़ का बना सकते हो, बस जो भी साइज़ है आपका उसका 1/4 भाग निकाल कर आप निशान लगाकर कट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कट लगा रहे हैं। तो देखिए, निशान हमने लगा लिए हैं। अब बाजू कट करने के लिए आर्म होल को हम ऐसे नापेंगे, इंची टेप को ऐसे गोलाई में घुमाकर। तो देखिए, 8.5 इंच आ रहा है। देखिए, बाजू कट करने के लिए कपड़े को हमने 4 तह में बिछा लिया है। तो देखिए, तैयार लंबाई 11 इंच है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे, तो 12.5 पर निशान लगाएंगे, और निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे 3 इंच का, और उसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे।
अब एक निशान और लगाएंगे 2.5 इंच का इस तरीके से, और जो आर्मोल हमारा आ रहा था 8.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और एम में रख कर, और बाजू की गुलाई है 11 इंच तो 5.5 रख लिया है और 2 इंच का मार्जिन रख लिया है। तो देखिए निशान को ऐसे मिला लेंगे और जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम बाजू की इस तरीके से गहराई देंगे, और जो निशान हमने लगाए हैं उसी निशान पर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए बाजू की भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके 2 पार्ट इस तरीके से उठाएंगे और आगे के आर्म होल की गहराई देंगे, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम ही देना है। तो देखिए जो हमने निशान लगाए हैं उस पर हमने कट कर लिया है, ये हमारे आगे वाले पार्ट की बाजू की गहराई है। तो देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से हम सलवार की भी कटिंग करने वाले हैं दोस्तों। 2 कली की सलवार हम कट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए कपड़ा हमारा इसमें 2 मीटर है, 2 मीटर में फुल पटियाला सलवार हम कट कर लेंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने अभी 2 तह में इस तरीके से बिछाया है, और हम ये इस तरीके से रखेंगे जो हमारे आगे के पार्ट होते हैं, पार्ट के लिए मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ऊपर की साइड हम 6.5 इंच रखेंगे बेल्ट के लिए, निकाल लिया है हमने इंची टेप को। तैयार लंबाई यहाँ पर है 38 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे। तो देखिए 39 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर तैयार जो मोहरी है वो हमारी 12 इंच है, तो 12 का आधा 6 आएगा और 2 इंच का मार्जिन बढ़ा लेंगे, तो 8 इंच पर ऐसे निशान हम लगा लेंगे यहाँ पर सलवार की मोहरी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 8 इंच पर। अब हम आसन का निशान लगा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आप बिना कटे ही 2 कली की सलवार कट कर सकते हैं। तो देखिए 10 इंच का हमने आसन का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे निशान लगा लेंगे। आप इस निशान को स्केल से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कली वाली को भी नाप लेंगे, तो ये 32.5 आ रहा है। अब दूसरी कली कट करने के लिए देखिए 10 इंच पर हमने दूसरे कली का आसन रख लिया है। और आगे की साइड में जो हमारी कली की लंबाई आ रही थी 32.5, तो 32.5 पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और स्केल से इसको मिला लेंगे आसन से, इस तरीके से आसन तक हमने इसको मिला लिया है। देखिए सलवार के परफेक्ट निशान हमारे लग गए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशान पर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो निशान हमने लगाए हैं वहीं पर हम कटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो। एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो प्लीज़ ज़रूर से दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप सभी को। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए सलवार की कटिंग कम्प्लीट हो गई है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा नहीं बैठ रहा है, तो इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे, ये लंबाई में कम हो रहा है तो आगे हम थोड़ा सा जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए चौड़ाई में 9 इंच रख ली है बेल्ट की, 6.5 इंच तैयार आ जाएगी और 2.5 इंच का ये हमारा मार्जिन हो जाएगा ऊपर नीफा फोल्ड करने के लिए। तो देखिए बेल्ट भी हमारी कट हो गई है परफेक्ट तरीके से। तो देखिए फुल सलवार की कटिंग कितने सिंपल तरीके से हमने कर ली है। तो देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों कैसा लगा मेरा तरीका मेरे सूट सलवार की कटिंग करने का, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।